अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। द एंटी प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव, या आप कह सकते हैं द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई वेरिएबल एक्स है, आप उसका डेरिवेटिव लेते थे तो 1 आता था, और हम 1 की अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास एक्स आएगा। ठीक है, ये इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन का मैंने आपको इंटीग्रेशन लेके दिखाई है, वो आपको सिखाना जा रहा हूँ। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो चैप्टर 3 आपके लिए करना बहुत इजी होगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखते हैं, अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेते थे तो 0 आता था, और हम 0 की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट नंबर आएगा। देखिए, ये कन्वर्स प्रोसेस हो गया कि कांस्टेंट का हमने डेरिवेटिव लिया 0, और 0 की इंटीग्रेशन ली तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपकी आसानी के लिए साथ साथ हर फंक्शन का डेरिवेटिव भी लिया है, और उसके कन्वर्स से आपको इंटीग्रेशन करवाने जा रहे हैं। अगर कोई वेरिएबल एक्स है आपके पास, आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है, और 1 की अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्स आएगी प्लस सी आने लगे। अच्छा, बात ये है कि हम सी कांस्टेंट साथ क्यों लगाते हैं। यहाँ पे देखें, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 की इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी हमने लगाया, और अगर आप एक्स प्लस 7 का डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा और 7 का डेरिवेटिव 0 आएगा। अब अगर हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से देखते हैं तो 1 का अगर आप 1 की इंटीग्रेशन लेते हैं तो x आएगी, लेकिन ये कंप्लीट फंक्शन नहीं बनेगा। मसलन कि जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया था, जो उसका आंसर है, उसकी अगर आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो दोबारा आपके पास वो फंक्शन नहीं बन रहा। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए, जो x प्लस 7 है, इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ ऐड करते हैं। और उसके बाद है, अगर आपके पास कोई नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन है तो आपने उसका डेरिवेटिव लेते थे e की ax, तो वो इज इक्वल टू होता था e की ax और डॉट ax पावर का डेरिवेटिव a। लेकिन इंटीग्रेशन में इतना फर्क आएगा कि आपकी नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन की इंटीग्रेशन वैसी आएगी e की ax, लेकिन जो आप पावर का डेरिवेटिव लेते थे वो आप नीचे लिखेंगे और प्लस सी साथ लगा देंगे। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a की पावर x, यहां 2 की पावर x, 5 की पावर x, या किसी भी नंबर की पावर x में आ जाएगा तो वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते थे तो a की x वैसे ही, और साथ ln a लगाते हैं, और पावर का साथ डेरिवेटिव भी लेते हैं, वो 1 आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यहां पे a की x स्क्वायर होगी पावर, तो यहां पे a की x स्क्वायर पावर वैसे ही आएगी और ln वैसे ही आएगा, और जो x स्क्वायर पावर होगी उसका आप डेरिवेटिव साथ लिखते थे 2x। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में इस तरह आएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते हुए एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे आ जाएगा, और उसका जो लॉग होगा वो ln a, जिस तरह डेरिवेटिव में आप साथ लिखते थे, इधर आप डिवाइड करवा देंगे। अगर आपके पास कोई पावर वगैरह भी हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो उसका डेरिवेटिव जो लेंगे वो यहाँ पे आगे नीचे लिखेंगे जैसे डेरिवेटिव में आप साथ लिखते थे। ठीक है, उसके बाद है log x का हम डेरिवेटिव लेते थे 1 ओवर x, तो 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, log x plus c। तो x के ऊपर मैंने मोड लगाया है, क्योंकि हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव नंबर का log नहीं लिया जा सकता। ठीक है, उसके बाद है, हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। तो हम sin x का डेरिवेटिव लेते थे, हमारे पास आता था cos x, और यहाँ पे उसके कन्वर्स अगर cos x की इंटीग्रेशन लेंगे तो sin x आएगा और प्लस c साथ लगा देंगे। उसके बाद है cos x का हम डेरिवेटिव लेते थे, माइनस sin x आता था, और इधर अगर आप माइनस sin x की इंटीग्रेशन लेंगे तो cos x प्लस c आएगा, लेकिन अगर आप अकेला sin x रखते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस cos x प्लस c आएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डेरिवेटिव में cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आता था,
और इंटीग्रेशन में साइन एक्स का की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस एक्स रहेगी और प्लस सी साथ हम लगाएंगे। उसके बाद है टेन एक्स का डेरिवेटिव हम लेते थे, सीक्वेंट स्क्वायर एक्स आता था, सीक्वेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास टेन एक्स आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा साथ। उसके बाद है cot x का हम डेरिवेटिव लेते थे, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाता था। अब अगर आप माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे फिर तो प्लस cot x प्लस सी आएगा, लेकिन अगर आप अकेले कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो आएगा माइनस cot x और प्लस सी, ठीक है। उसके बाद है secant x का हम डेरिवेटिव लेते थे, क्या होता था secant x tan x, तो इसी तरह secant x tan x की अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो secant x आएगा और प्लस c साथ आ जाएगा। उसके बाद है cosecant x का हम डेरिवेटिव लेते थे तो माइनस cosecant x माइनस cot x आता था, और अगर आप cosecant x cot x की इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास cosecant x आएगा और प्लस c। अगर आप साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाई, cosecant x cot x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस cosecant x प्लस c। तो अगर आप साथ माइनस लगाएंगे तो फिर अकेली आएगी cosecant x प्लस c। उसके बाद ये एक दो रहती है, secant x जो होता है उसकी इंटीग्रेशन होती है log into secant x प्लस tan x प्लस c मॉड लगाते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि लॉगरिथम फंक्शन की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव में हम नहीं निकाल सकते। उसके बाद है cosecant x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log into cosecant x माइनस cot x प्लस c, और tan x की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगी, log secant x प्लस c, ठीक है। तो अगर हम secant को चेंज कर देते हैं 1 ओवर cos तो आपके पास इंटीग्रेशन माइनस log into cos x प्लस c आए। इसी तरह अगर हम cot x की x और प्लस c दोनों तरह से लिखी जा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कि हम उसकी इंटीग्रेशन किस तरह लेते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके डेरिवेटिव भी लेके मैं आपको इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको जो डेफिनेशन करवाई है इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, तो मैं उसी से आपको ये सारे बेसिक फंक्शन की जो है इंटीग्रेशन सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। उसके अब देखते हैं क्या था हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमारे पास होता था 1/1 माइनस एक्स स्केयर, ठीक है। तो अगर हम 1/1 माइनस एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह d/dx इंटू कॉस इनवर्स एक्स, हम कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेते थे तो हमारे पास क्या आता था, माइनस 1/1 माइनस एक्स स्केयर। तो अगर हम माइनस 1/1 माइनस एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा, इसे हम लिख सकते हैं अगर माइनस कॉमन ले तो हम इसे माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं अगर माइनस कॉमन ले, क्योंकि फिर आपके पास यही फंक्शन बन जाएगा। और इसी तरह यहां भी अगर हम यहां माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और माइनस बाहर ले लेते हैं तो माइनस आ जाएगा और कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आपके पास आ जाएगा। उसके बाद है tan इनवर्स एक्स का हमने डेरिवेटिव किया था 1/1 प्लस डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स और प्लस सी। तो इसी तरह अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और माइनस पे डिवाइड भी करवा देते हैं
तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। कहने का मतलब ये है कि कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स के। तो अगर आप माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स के की इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स आएगी और जो माइनस बाहर आ रहा है वो वैसे ही साथ आ जाएगा और प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम साथ लगा देंगे। उसके बाद है सेकेंड एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स का हम डेरिवेटिव लेते थे तो हमारे पास आता था वन ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अगर हम 1 ओवर x इनटू x स्क्वायर माइनस 1 की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह अगर माइनस 1 ओवर x इनटू x स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट का आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो आपके पास कोसेकेंट इनवर्स x आ जाएगी और प्लस c हम साथ लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगर आप लोगों ने ये जो मैंने बेसिक फंक्शन के फार्मूला से आपको करवाए हैं जो आपको इंटीग्रेशन इनकी सिखाई है अगर आप ये याद रखेंगे तो आपके लिए चैप्टर 3 जो है वो करना बहुत आसान होगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल। इसके बाद हम देखते हैं इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और फंक्शन की पावर है n और साथ उस फंक्शन का पड़ा हुआ है डेरिवेटिव तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, फंक्शन की पावर में एक हम प्लस कर देंगे और नीचे वही पावर लिख देंगे और प्लस साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर x है और dx है तो x की पावर है 1 और x का डेरिवेटिव साथ हमारे पास 1 पड़ा हुआ है तो हम x की पावर में 1 प्लस कर देंगे और वो ही नीचे लिख देंगे और प्लस c तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। कोई भी फंक्शन आ जाए उसकी पावर हो साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम पावर में 1 प्लस कर देंगे और वही नीचे लिख देंगे। और उसके बाद है सेकंड रूल, ये फर्स्ट रूल सेकंड रूल है आपके पास अगर आपके पास है फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ और नीचे फंक्शन की पावर है dx तो हम इसे लिख सकते हैं f इनटू x की पावर a माइनस n और साथ f डैश इनटू x और dx। कहने का मतलब है कि हम इस रूल को भी फर्स्ट रूल की तरह यूज कर सकते हैं कि हम जो पावर है उसे ऊपर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगी। ये फंक्शन है, आपने ये देखना कि ये माइनस पावर है, आपने ये देखना है कि ये फंक्शन की पावर पड़ी हुई है और साथ है उसका डेरिवेटिव तो हम पावर में एक प्लस कर देंगे, पावर में एक प्लस कर देंगे और वही नीचे लिख देंगे तो ये आपकी इंटीग्रेशन का सेकंड रूल होगा। जिस कैसे जिस तरह के अगर आपके पास इस तरह हो ऊपर हो 2x और नीचे हो x स्क्वायर प्लस 1 तो ये नीचे आपका फंक्शन पड़ा हुआ है ऊपर इसका डेरिवेटिव है x स्क्वायर का 2x और प्लस 1 का 0 होता है आपके पास। तो अगर हम इस तरह करें कि सॉरी यहां पे अगर इसकी 3 पावर हो तो x स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर माइनस 3 और साथ 2x आ जाए dx तो इसकी इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 की पावर जो है वो माइनस 3 प्लस 1 ओवर में माइनस 3 प्लस 1 जैसे लिख देंगे और प्लस 3 साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। अगर आपने ये तीन रूल्स अपना लिए तो आप इंटीग्रेशन के चैप्टर कंप्लीट कर सकेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, बहुत ज्यादा इजी है इंटीग्रेशन अगर आप ये बेसिक फंक्शन के फार्मूलाज जो हैं बेसिक फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो सीख लें और ये जो दो तीन रूल मैं बता रहा हूँ ये आप सीख लें तो इंटीग्रेशन ज्यादा मुश्किल
नहीं है। आप अगर आप ये याद कर लेंगे तो हम कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। रूल नंबर 3 है आपके पास कि अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो और नीचे वो फंक्शन पड़ा हो। सेकंड रूल में मैंने क्या बताया था कि फंक्शन की पावर हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो इसमें थर्ड में क्या आ जाएगा, फंक्शन हो ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, तो उसकी हम इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं, log into फंक्शन और प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1/x है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, नीचे x है ऊपर x का डेरिवेटिव 1 पड़ा हुआ है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन ln x प्लस सी लिखेंगे। इसी तरह अगर आपके पास है नीचे x स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर आपके पास है 2x, तो नीचे आपका फंक्शन पड़ा हुआ है पावर के विदाउट पावर है, ये क्या रखना है, सेकंड रूल है जिसमें पावर हो, और थर्ड रूल है जिसमें नीचे पावर ना हो फंक्शन की और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हम उसे किस में लिख देंगे, log into x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, साथ लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, आप ये चीज़ें सीख लेंगे तो बआसानी आप चैप्टर 3 कर सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। वस्सलाम।